दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा वर्चुअल रियलिटी के बारे में। ये है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी गियर VR, इसके बारे में ज़रा जानने के लिए आइए देखते हैं ये वीडियो। वेलकम टू सिकिम रिव्यू। अगर VR हेडसेट की बात करें तो आपको सारे के सारे कंपनी उसके VR हेडसेट मिल जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम गूगल कार्डबोर्ड आपको मिल जाएगा, HTC की तरफ से, LG की तरफ से, या फिर ऑक्यूलस की तरफ से भी आपको मिलता है। आइए ट्राई करते हैं सैमसंग गैलेक्सी गियर VR। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स करना है आपको, जैसे कि मेक श्योर करें कि आप अपना ब्राइटनेस लेवल है वो अपने हिसाब से रखें। और यहाँ पे एक आपको एडजस्टर मिलता है, इससे आप अपने आप को कंफर्टेबल, जब तक कंफर्टेबल फील ना हो या फिर आगे जो भी लेटर्स है उसको क्लियरली विजिबल ना हो तब तक आप इसे एडजस्ट करें। और ये हम आज देखते हैं टेम्पल रन गेम है। ये कैसा दिखता है टेम्पल रन, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये काफ़ी रियल दिखता है। आज से पहले मैं 3-4 वर्चुअल रियलिटी हेडसेट ट्राई कर चुका हूँ, गूगल कार्डबोर्ड की तरफ से, लिनोवो की तरफ से, HTC की तरफ से। व्हाट आई फील इज ये उन सबसे भी बढ़िया है। मेक श्योर करें कि बेस्ट एक्सपीरियंस के लिए आप अपने हेडफोन यूज़ करें। VR हेडसेट यूज़ करने के लिए आपके फ़ोन में होना चाहिए जायरो सेंसर। अगर आपके फ़ोन में जायरो सेंसर है तो आप भी मेरी तरह वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो। जायरो सेंसर क्या है? जायरो सेंसर एक हार्डवेयर है जो आपके फ़ोन में रहता है। ये क्या करता है कि आप अगर आप अपने फ़ोन को या फिर अपने हेडसेट को लेफ्ट लेके जाते हैं तो वो क्या करता है, अपना सेंसर, आपका हार्डवेयर जायरो सेंसर अपने सॉफ्टवेयर को सिग्नल देता है कि वो लेफ्ट की तरफ टर्न करे और वो लेफ्ट की तरफ जो इमेज है वो आपको डिस्प्ले करेगा। अगर आप ऊपर देखोगे तो वो ऊपर की तरफ डिस्प्ले करेगा, ऊपर का इमेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। और इसी तरीके से अगर आप राइट की तरफ जाएँ या फिर 360 बैक, जायरो सेंसर होना ज़रूरी है अगर आप भी मेरी तरह वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस करना चाहते हो। तो मैं आपको बता दूं आप अपने VR हेडसेट में क्या क्या कर सकते हो। आप अपने VR हेडसेट में वर्चुअल रियलिटी, जैसे कि मान लीजिए अगर आप बैठे बैठे घर में बैठे बैठे टाइम स्क्वायर देखना चाहते हो तो अपने फ़ोन में टाइम स्क्वायर का वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, वर्चुअल रियलिटी 360 वीडियोस या फिर 3D वीडियोस डाउनलोड कर सकते हो और अपने फ़ोन में डाल के एक्सपीरियंस कर सकते हो टाइम स्क्वायर का मज़ा। आपको ऐसा फील होगा कि आप वहीं पे हो, टाइम स्क्वायर पे ही बैठे हो और वहीं से आप देख रहे हो। आप अपने VR हेडसेट से क्या क्या कर सकते हो, वर्चुअल रियलिटी एक्सपीरियंस कर सकते हो, 360 वीडियोस एक्सपीरियंस कर सकते हो, 360 फोटोज़ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो, 3D मूवीज़ दे सकते हो और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग तो खेल ही सकते हो इसके साथ। और वर्चुअल रियलिटी गेमिंग एक बहुत ही बड़ी एक्सपीरियंस है और आने वाले फ्यूचर में ये एक बहुत ही बड़ा ट्रेंड होने वाला है। कुछ मेरे फ्रेंड्स ने यूज़ किया था VR हेडसेट फॉर मे बी अराउंड एन आवर के लिए यूज़ किया था, 1-2 घंटा। तो उन लोगों का कहना था कि उन्हें हेडेक, डिजीनेस फील हो रहा था, लेकिन ये मेरे केस में नहीं हो रहा था। मे बी शायद मैं उतने लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ नहीं कर रहा था या फिर कुछ और भी कारण हो सकता है। तो मेक श्योर करें कि जब भी आप लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो अपना ब्राइटनेस लेवल ठीक रखें। और ये एडजस्टर जो है यहाँ पे आपको अपने आँखों के हिसाब से दिया गया है, इसे एडजस्ट करें और बेस्ट पॉसिबल आपको जो ठीक लगे वहाँ उस लेवल पे रख दें। और मैं ये रिकमेंड भी नहीं करता कि आप मान लीजिए 2 घंटा या फिर 4-5 घंटों के लिए यूज़ करें। आप 10-15 मिनट्स, आधा घंटा के लिए यूज़ कर सकते हो इसे, लेकिन ज़्यादा यूज़ करने से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। दोस्तों ये था सैमसंग गैलेक्सी गियर VR। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर अपकमिंग वीडियोज़।